नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है, होलसेलर कैसे बने या ब्रोकर कैसे बने। दोस्तों, एक मेरे फ्रेंड है, उनसे मेरी बात हुई। वो एक छोटा सा ऑफिस खोल के रखे हैं दोस्तों, और वो खाली फ़ोन अटेंड करते हैं। अभी उनका मार्केट जम चुका है। और उसके बाद दोस्तों, वो एक टन दो टन जैसे चावल हो गया, बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया, राइस हो गया, या दाल हो गया, या चीनी हो गया दोस्तों, या गुड़ हो गया, इस तरह से दोस्तों वो एक टन दो टन किराने शॉप वाले को सेल करते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस फंडा कैसे काम करता है, और वो किलो के पीछे, मतलब क्विंटल के पीछे दोस्तों एक रुपया किलो वे कमाते हैं, खाली 1 रुपया किलो। तो क्विंटल के पीछे दोस्तों यानी 100 रुपये, यानी दोस्तों 1 टन के पीछे 1000 रुपये का उनका प्रॉफिट होता है। दोस्तों, दिन भर में एक गाड़ी माल तक बेच देते हैं। जैसे एक गाड़ी में दोस्तों 20 टन माल वो कंपनी से सीधा मंगाते हैं, और 20 टन अगर मान लीजिए एक दिन में बिक जाता है, तो दोस्तों 20,000 रुपये का सीधा सीधा उनका प्रॉफिट होगा। दोस्तों, ये बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह से होलसेलर हम बन सकते हैं, इसके लिए इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। दोस्तों, देख लीजिए, किराने बिजनेस वाले जो होते हैं, मान लीजिए एक टन माल लेते हैं, चीनी 1 टन लेते हैं, या गुड़ 1 टन लेते हैं, या दाल 1 टन लेते हैं, तो दोस्तों 1 टन जो कंपनी होती है वहाँ से 1 टन माल उनको नहीं दिया जाता है। तो इसी में दोस्तों होलसेलर बनने का ये जो आइडिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से मेरे एक फ्रेंड है, वो भी करते हैं। अभी उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस भी खोल लिया है, एक गोदाम है उनका, ठीक है। और वो गाड़ी सीधे वहाँ से 20 टन का एक गाड़ी लाते हैं, जो कि उनको पता है कि 1 रुपया खाली प्रॉफिट उनको मिलना है। प्रॉफिट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है दोस्तों, 1 रुपये 75 पैसे, 1.25 रुपये, 1.5 रुपये, ऐसा ही प्रॉफिट होता है। अब वो करते क्या है कि वहाँ से सीधे एक जो ट्रक होता है दोस्तों, 20 टन का एक ट्रक होता है, वहाँ से वो माल मंगा लेते हैं, चीनी हो गया या गुड़ हो गया दोस्तों, इस तरह से मंगा के वो अपने गोदाम में रख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो जाते हैं किराने वालों के पास कि आज आपका क्या ऑर्डर है, इस तरह से उनसे ऑर्डर लेते हैं। और ऑर्डर लेने के बाद दोस्तों, वो पूरा लिख के, मतलब एकदम हर चीज़ पूरा, दिन भर में अगर मान लीजिए 20 दुकानों पे दोस्तों 1-1 टन का भी ऑर्डर मिलता है, तो 20 टन का उनको ऑर्डर मिल जाता है। अब उसके बाद क्या करते हैं, वो आते हैं अपने पास, बंदा लगाते हैं, छोटी छोटी गाड़ियों में लोड करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट उनका ही होता है दोस्तों, जैसे किराने वाले को, क्योंकि किराने वाले 1-2 टन माल तो डायरेक्ट वहाँ से ला नहीं सकते हैं। तो इसी में ब्रोकर या होलसेलर बनने का जो ये आइडिया है दोस्तों, ये बहुत ही कंसेप्ट फुल और बहुत ही बढ़िया, जो कि मैंने आपके लिए बताने की पूरी मेरी कोशिश है दोस्तों। वो क्या करते हैं, फिर छोटी छोटी गाड़ियों में 1 टन 2 टन इस तरह से दिन भर में सप्लाई करते हैं। अगर उनको 1 रुपया किलो के पीछे भी बच जाता है दोस्तों, तो आराम से उनका आप हिसाब लगा लीजिए कि 1 टन अगर कोई माल ले रहा है, तो 1000 रुपये सीधा बच जा रहा है। मान लीजिए दिन भर में अगर 10 टन माल वो सप्लाई करते हैं, तो दिन का 10000 रुपये बड़े आराम से कमा सकते हैं दोस्तों। इस तरह से ये बिजनेस मॉडल काम करता है। अगर आप भी बनना चाहें होलसेलर या ब्रोकर, तो आपको करना क्या होगा कि आपके पास दोस्तों एक गोडाउन होना बहुत ज़रूरी है। गोडाउन का साइज दोस्तों कम से कम 50x50 या 50x100 होगा तो भी ठीक है, क्योंकि उसके उसके अंदर आपका 20 टन, 25 टन या 50 टन माल इस तरह से आना चाहिए दोस्तों। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन बिजनेस बहुत ही बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है दोस्तों, क्योंकि आपको कहा है कि आप पहले कंपनी से कॉन्टेक्ट करते हैं, और कंपनी आपको सीधे गाड़ी में माल देती है, क्योंकि वहाँ पर 1 टन 2 टन माल नहीं मिलता है, कम से कम 20 टन आपको माल देना पड़ता है। वो 20 टन क्या करते हैं कि ब्रोकर या होलसेलर ला के अपने गोडाउन में सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद वो अपने किराने शॉप पर जाते हैं, उनसे 1-1, 2-2 टन, 5-5 टन जिस तरह से उनका ऑर्डर होता है, ऑर्डर लेते हैं, परचेस करके ऑर्डर सब कुछ लेकर आते हैं। उसके बाद दोस्तों वहाँ से फिर वो अपना 1 टन 2 टन 5 टन जिसका ऑर्डर है, लाइन से उस तरह से एक बड़ी गाड़ी में माल को पूरा शिफ्ट करते हैं। अगर 10 टन का ऑर्डर आ गया, तो 10 टन फिर वो धीरे धीरे 1-1 टन 2 टन इस तरह से सेल करते हैं। और पेमेंट दोस्तों शाम तक या दोपहर तक उनको पेमेंट भी अपना ले लेते हैं। कुछ सिस्टम ऐसा भी हो जाता है दोस्तों, कहीं कहीं थोड़ा व्यवहार बनने को, जैसे उधारी भी होने लगती है दोस्तों। इस बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहें, तो होलसेलर या ब्रोकर बनके ये बिजनेस बहुत ही बेस्ट है। मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे भाई साहब मेरे फ्रेंड है, जिससे मैंने ये बात किया, और मैं देखा कि एक छोटी सी ऑफिस खोल रखे है, खाली दिन भर लैपटॉप पे वो टाइम पास करते रहते हैं। तो मैंने उसको पूछा, आपका क्या बिजनेस है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ऐसा ऐसा बिजनेस है, मैं होलसेलर हूँ, मैं डायरेक्ट कंपनी से माल लाता हूँ 20 टन का, उसके बाद मैं 1 टन 2 टन, जैसे किसी को 500 किलो चाहिए, किसी को 1000 किलो चाहिए, इस तरह से वो माल देते हैं। उनको किलो के पीछे दोस्तों 1 रुपये, किसी किसी में 50 पैसे, किसी किसी में 1.5 रुपये दोस्तों, मार्केट का रेट थोड़ा अप डाउन होता रहता है, इस तरह से उनको दोस्तों रेट और ऑर्डर मिलता है दोस्तों। ये बिजनेस कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना।